Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Jayant Panchal and you are watching Mr. Panchal Tech. Guys, अगर आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट बजट ट्राईपोर्ट और अगर आपको खोलना है YouTube पर नया चैनल और सर्च कर रहे हैं एक ट्राईपोर्ट, तो गाइज मैंने हाल ही में एक ट्राईपोर्ट खरीदा जो कि एक प्रोफेशनल ट्राईपोर्ट है। तो गाइज ये है वो ट्राईपोर्ट जो कि सिंप्लेक्स ब्रांड का एक मॉडल नंबर 3600 का एक लाइट वेट ट्राईपोर्ट है, जिसकी हेल्प से अपनी वीडियोज को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाऊंगा, साथ ही फोटोज को कैप्चर कर पाऊंगा। तो गाइज ये ट्राईपोर्ट मैंने खरीदा है चांदचौक के अंदर से, जिसकी प्राइस मुझे मिल गई 1100 के आसपास। साथ ही मैंने जो क्लैंप एक्स्ट्रा खरीदा है, क्योंकि क्लैंप इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं है, तो ये क्लैंप मैंने 50 रुपीज में खरीदा है। और गाइस ये ट्राईपोर्ट आप जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील पर भी खरीद सकते हो, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और इसकी प्राइस आपको जो है ऑनलाइन करीबन 2200 से 2500 रुपये आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये ट्राईपोर्ट बहुत ही लाइट वेट है और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है, बाकी स्पेक्स, फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह देखते हैं और मेरे ओपिनियंस क्या क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर। तो गाइस लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस ये ट्राईपोर्ट का बॉक्स और राइट साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। गाइस इस ट्राईपोर्ट का मैक्सिमम हाइट जो है 1640 mm का है और मिनिमम हाइट जो है वो 625 mm का है। इस ट्राईपोर्ट का वेट आपको मिल जाएगा 1.5 mm, साथ ही जो है ट्राईपोर्ट लोड कैरी कर पाएगा 4 kg तक। और जो ट्राईपोर्ट की डायमीटर से है टू ट्यूब की वो है 26.7 × 23 mm की। और गाइस कुछ और भी आपको इस तरीके से पिक्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप ट्राईपोर्ट को कैसे ऑपरेट कर पाओगे इस तरीके से। तो गाइस करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है। तो गाइस ऊपर ही ऊपर हमको इस तरीके से कैरी केस के अंदर ट्राईपोर्ट मिलता है और ये केस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। और गाइस केस को भी खोलते हैं और निकालते हैं अंदर से ट्राईपोर्ट। तो पॉलीथिन के अंदर रैप इस तरीके से हमको एक ट्राईपोर्ट मिलता है सिंप्लेक्स 3600 मॉडल नंबर का। तो गाइस इस ट्राईपोर्ट को भी बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा ट्राईपोर्ट और इस तरीके से हमको एक ब्रांडिंग मिलता है 3600 मॉडल नंबर। इस तरीके से यहाँ पर इस ट्राईपोर्ट को हैंडल करने के लिए इस तरीके से हैंडल मिल जाएगा, इसकी हेल्प से आप इसको ट्राईपोर्ट को कैरी कर पाएंगे यहाँ से वहाँ। और गाइस इस तरीके से सेंटर में आपको इस तरीके लॉक मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप जो है आपको अगर जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप जो है आर्म्स को फैला सकते हैं। अगर इतना स्पेस है तो इस तरीके से लॉक होगा, फिर यहाँ से आप लूज करो और इस तरीके से वो लूज़ कर सकते हो, ये टाइट हो जाएगा इस तरीके से। आपको इस तरीके से मतलब रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप जो इस तरीके से यहाँ पर लूज़ करके टाइट करके जो है इस तरीके से सेंटर में आपको लॉक मिलता है। और गाइस खोलते हैं क्लैंप्स को और टेस्ट करते हैं अगर हाइट की ट्राईपोर्ट की हाइट कितनी है। तो गाइस ये जो है पूरी बॉडी है बनी हुई अच्छी खासी एल्यूमिनियम की। और आम बाकी ट्राईपोर्ट्स में क्या होता है सेंटर की जो क्लिप्स हैं वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम की बनी हुई है, यानी जो ये मटेरियल है वही ये मटेरियल है। अब टेस्ट करते हैं हाइट को। तो गाइस ये जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट के लगभग लगभग ट्राईपोर्ट की हाइट तो आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक और लॉक मिलता है जिसके आप हेल्प से आप जो है सेंटर का जो आम है उसको लॉक कर सकते हो। और यहाँ से लॉक करने के बाद आपको इस तरीके से जो है और इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, मतलब ये जो हाइट तो मेरे से भी बड़ी है। तो ये है कुछ इसकी हाइट, आप देखो ये मतलब इतनी बड़ी कुछ हाइट हो गई है इसकी, तो मेरे सर से हल्की सी बड़ी है, मतलब मैं आसानी से इस ट्राईपोर्ट को यूज़ कर पाऊँगा अच्छी तरीके से। और गाइस इस तरीके से आपको तीनों आर्म के नीचे रबड़ की बनी हुई ग्रिप मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से जो है डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के ऊपर, चाहे रफ सरफेस हो चाहे मार्बल टाइल्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट सरफेस हो, तो वहाँ पर जो इस तरीके से ट्राईपोर्ट की तीनों आर्म की हेल्प से अच्छी ग्रिप बन पाएगी। और गाइस ये है पूरी बॉडी और हाइट आप देख सकते हो अच्छी खासी हाइट है। और गाइस अब देखते हैं इसके मेन हेड को। तो गाइस इस तरीके से आप इसको लूज करेंगे लेफ्ट साइड घुमा के और अपर साइड कर देंगे, और यहाँ से स्विच है जिसकी हेल्प से आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं इसको। तो यह चीज़ अप डाउन करो लेफ्ट राइट करो, और यहाँ पर जो आपको इस तरीके से ऊपर इन लॉक मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप जो यहाँ पर DSLR स्मार्टफोन वगैरह लगा सकते हो। यह है बाकी यहाँ पर आपको एक बबल लेवल इंडिकेटर मिलेगा और एक बबल लेवल इंडिकेटर यहाँ मिलेगा, दो बबल लेवल इंडिकेटर मिलेंगे। साथ ही अगर आपको यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट वगैरह अगर चेंज करना है इसको, तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से चेंज कर सकते हो, जो पूरा पूरा क्लैंप इस तरीके से खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्मार्टफोन को इसके ऊपर लगा कर, जो कि मुझे एक माउंट लगाना पड़ेगा स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए, बाकी DSLR कैमरा वगैरह डायरेक्ट इसके ऊपर जो है होल्ड हो जाते हैं। तो गाइस ये लो मैंने कनेक्ट कर दिया
माउंट और साथ में स्मार्टफोन, तो यह है कुछ लुक। इस तरीके से आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो, यूज़ कर सकते हो उस ट्राईपोड को। तो यहाँ पर मुझे तो लग रहा है 180 डिग्री आप जो है उसका रोटेशन कर सकते हो, और साथ ही 360 डिग्री जो है लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो इस हैंडल की हेल्प से। हैंडल पूरा जो है उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग मिल जाती है, और हैंडल थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस ट्राईपोड के अंदर। तरीके से आप जो है हल्का वेट है यहाँ से हैंडल कैरी करो उसको, और अगर आपको मन चाहे जगह पर जाओ उस तरीके से व्लॉग करना है व्लॉग करो, कोई वीडियो शूट करना है वीडियो शूट करो, और स्टेबल करना है स्टेबल करो। साथ ही यहाँ से लूज़ करके लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो, और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ट्राइपॉड को डाल दो कैरी बैग केस के अंदर और बंद कर दो जिप, और यहाँ से आपको स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप को लूज़ करो, टांगो इस तरीके से, और निकल जाओ घूमने फिरने, बनाओ कुछ नए व्लॉग, बनाओ टेक्निकल वीडियोस, और इस तरीके से जो हम इजीली कैरी कर पाएंगे इस ट्राइपॉड को, और लाइट वेट होने के कारण जो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कैरी करने के टाइम। तो गाइज़ ये हमारा ट्राइपॉड, और गाइज़ यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड, अगर आप मान लो हवाएं चल रही हैं, मान लो अगर आप बाहर की शूटिंग कर रहे हो, बाहर की कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो पहाड़ी एरिया हिली एरियाज पर, या फिर यहाँ पर रश ज़्यादा है और बार बार मतलब मान लो कि स्टैंड को धक्का लग रहा है, तो गाइज़ यहाँ पर एक खास चीज़, यहाँ पर आप जो हल्का सा लोड कैरी कर लो। यहाँ पर जो ग्रेविटी कारण जो क्या होगा कि आपके जो ट्राईपोर्ट है यहाँ पर मूव नहीं करेगा, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी नहीं। तो गाइज़ ये वेट बहुत ही कम है इस ट्राईपोर्ट का, और प्राइस बराबर है। अगर आप एक नया ट्राईपोर्ट सर्च कर रहे हैं अगर आप आपके चैनल के लिए, या फिर आप एक प्रोफेशनल ट्राईपोर्ट ढूंढ रहे हैं अपने स्मार्टफोन के लिए, तो ये ट्राईपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कैमरा वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं कोई DSLR वगैरह के लिए, तो या स्टार्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल की जाते हैं तो ये उनके लिए जो कैमरेज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप और भी वैरायटीज देखो, लेकिन ये गाइस ट्राईपोर्ट अच्छा खासा है, चीप प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो गाइस अब जो सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस ट्राईपोर्ट से, तो गाइस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और बताओ मुझे आपको वीडियो कैसे लगी। तो गाइस लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, अगर आप चैनल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग और वीडियोस ऐसे लेकर आता रहूँ। गाइस फिर मिलेंगे, नमस्कार।